सही रखा, खेसारी जी तो दिल में ही बसते हैं, अब दिल से इनको कोई ये भी नहीं निकाल पाएंगे, भले ही कुछ भी हमसे राग अलाप लिए। ब्रजेश भैया भीष्म पितामह हैं, असलम जी हमारे बीच में आए हैं, इनके बारे में सुनता था, पहली बार रूबरू हो पाया हूँ। सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिनका नाम छूट जाए, सब मेरे मन में बसते हैं, और जो मन में बसते हैं नाम लेकर के उसको मजा किरकिरा नहीं करना चाहिए। मेरे सबसे प्रेमी हमारे तमाम टेक्नीशियंस भाई, स्पॉट बॉय जितने हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और सबको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें। भाई खेसारी लाल जी से विनंती है कि जिस तरह से स्टेज पे लाखों लोगों को मंत्र मुग्ध करते हैं, उसी तरह यहाँ की जो यूनिट है, अपने लचीले शब्दों में उनका प्यार और सम्मान दे उनको, खेसारी लाल जी। देखिए, मैं एक बच्चा हूँ आप सबका, और जितनी भी टेक्नीशियन है, मैं चाहता हूँ कि इस नव वर्ष में घुसने से पहले मैं आप सबका पैर छू ताकि आप आशीर्वाद मुझे दे दें, क्योंकि मेरे जीवन इन टेक्नीशियनों से है, इन लोगों से, क्योंकि मैं सबसे बच्चा मैं ही हूँ, सबसे बच्चे हैं इस लड़की को छोड़ के, क्योंकि छोटी लग रही है। और मैं असलम जी का ढेर सारा प्यार जो मिला आज हमारे भोजपुरी के लिए, तो आज मुझे समझ में आया कि एक नेता नहीं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के भाई हैं, तो इसके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि हमारे भाषा से नहीं है, फिर भी कितने टाइम दिए हैं, बोलने आता है ना भैया, तब ठीक है, का हाल भाई, इतना तो केहू बोल दी। चलिए, मैं सबसे पहले नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, और मैं टेक्नीशियन को बहुत प्यार करता हूँ, इनके लिए लड़ता भी हूँ, इसीलिए क्योंकि ये है तभी मैं स्टार हूँ, आज ये लोग नहीं होते तो शायद मेरी स्टारडम कब की खत्म हो चुकी होती। और ये सब लोग जानते हैं कि मैं अपने स्टारडम से नहीं, मैं इनके स्टारडम से जीता हूँ, तो इनके स्टारडम जब तक है तब तक हमारी स्टारडम बरकरार है, ये जब तक चाहेंगे तब तक खेसारी इनका बच्चा बन के, हीरो बन के पर्दे पे काम करता रहेगा। और औदेसी के बारे में मैं बोल के अपना मुंह खराब नहीं कर सकता। अच्छी, और प्रेम भैया ये मेरे लिए प्रोड्यूसर नहीं है, ये मेरे लिए भाई है, और मेरे भाई की तरह ही मुझे इनसे लड़ना मुझे अच्छा लगता है, और चाहे वजह कोई भी हो, लड़ने की कोई भी वजह हो सकती है, एक एक वजह है लड़ने का, हम लोगों का वजह एक ही है, कभी कभी दिक्कत होता है, हमको भी जरूरत है तो हो जाता है। और मधुकर भैया कवि जी माने हमारे भीष्म पितामह, मैं एमआई राजी के साथ पहली बार काम किया, मुझे बहुत मजा आया, ये टेक्नीशियन क्या है क्या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये डायरेक्टर है तो अच्छा शूट कर देंगे, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छे हैं, इंसान इतने अच्छे हैं कि शायद मुझे इनसे प्यार हो गया, अगर मैं लड़की होता तो इनसे शादी कर लेता, लेकिन मजा आया इनके साथ काम करके, और सबने इतना सपोर्ट किया इस फिल्म को, सबने इतना प्यार दिया, जो लड़कियां थी जो लड़के थे, दो शादी कर सकते हैं आप, लेकिन जेंट्स से जेंट्स नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, नहीं सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो भी लोग टेक्नीशियन हो चाहे एक्टर लोग जो भी हैं, उन्होंने अपना 110% दिया है, सब लोग समय को प्रोड्यूसर के दर्द को समझ के काम किया है, क्योंकि हमारे फिल्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मैं एक हीरो हूं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम अच्छे टाइम पे नहीं जाएंगे, टाइम से नहीं जाएंगे, तो हमारे टेक्नीशियन टाइम से जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, और हमें वक्त मिलता है सोने के लिए, लेकिन हमारे लाइटमैन बाकी लोगों को सोने का टाइम नहीं मिलता है, और वो टाइम से चले जाते हैं, और हम अगर 2 बजे दिन में आए तो शायद हमारे टेक्नीशियन तकलीफ में आते हैं, इसीलिए मैं आप सबके साथ रहता हूँ, क्योंकि आप लोग सोते कम है और सबसे पहले जगना आपको पड़ता है, इसीलिए मैं टाइम से जाकर काम करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग को भी रिलैक्स महसूस हो, जल्दी से जल्दी फिल्म शूट हो जाए, ताकि 4 दिन अगर बिफोर शूट हो जाती है तो हमारे प्रोड्यूसर का 2-4 लाख बच जाने, हमारा क्या जाता है, इसलिए धन्यवाद सबको, पूरी टेक्नीशियन टीम को, मेरी हीरोइन नहीं है वो भी मेरे खाते में भी नहीं है। चलिए, मैं हीरोइन को भी दिल से थैंक यू, और 9 बरस की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी खुशियां, आप इतने खुश हो जाएं कि आपकी खुशी देखकर खेसारी तो ऐसे ही खुश रहता है।